अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि XMMUIDware को ऑनलाइन कैसे करते हैं। इसके लिए आप मेन मेनू में क्लिक कर दीजिए। मेन मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे आपका डीवेयर का जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको एंटर कीजिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद आप जाइए नेटवर्क सेटअप में। नेटवर्क सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे आपके नेटवर्क का जो भी आपका राउटर है, राउटर का आईपी है, उस आईपी रेंज में यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दीजिए। अगर आपको राउटर का आईपी नहीं पता है तो सिंपली डीएससीपी पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। डीएससीपी में क्या है, डीवेयर आपका राउटर का जो आईपी है ऑटोमेटिकली उसी रेंज में आईपी ले लेगा। इसके बाद नेटवर्क टेस्ट में टेस्टिंग कर दीजिए। नेटवर्क ओके बताने के बाद बैक जाइए। इसके बाद सिस्टम में जाइए। एडवांस सेटअप पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है, वर्जन पे क्लिक कर दीजिए। वर्जन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो ओपन होगा। इसमें यहाँ पे आपका डीवीआर ऑनलाइन है या नहीं है, कनेक्टेड अगर बता रहा है तो डीवीआर ऑनलाइन हो चुका है। और यहाँ पे दो क्यूआर कोड है, ऊपर वाला ये जो क्यूआर कोड है ये इसका सीरियल आईडी है, आपके मोबाइल ऐप से इसको स्कैन करना है। और नीचे वाला जो क्यूआर कोड है, अगर आपके मोबाइल में ऐप नहीं है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और इसका सीरियल आईडी यहां से भी आप मैन्युअली भी सीरियल आईडी यहां से लिख कर मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद बैक जाइए और अपने मोबाइल स्क्रीन में जाइए, अपने मोबाइल में XMUI ऐप डाउनलोड कर दीजिए। अगर ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सिंपली ये नीचे वाला क्यूआर कोड जो है इसको स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मोबाइल स्क्रीन में XMUI ऐप डाउनलोड करना है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। दोस्तों इसमें मैंने ऑलरेडी मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड रजिस्टर कर दिया है। आप लोगों ने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो मैं आप लोगों को कैसे रजिस्टर करना है वो भी बता देता हूँ। तो ये मैं बैक आ जाता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आपको नया यूज़र आईडी क्रिएट करके आपको बताऊँगा कि यूज़र आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए, एग्री कर दीजिए। आपका जो भी ईमेल आईडी है मोबाइल में उस ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कर दीजिए और गेट कोड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको ईमेल आईडी पे मेल के थ्रू एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे आपको एंटर करना है। अपने मेल बॉक्स में जाके चेक करिए, आपको एक मेल आया होगा। ये मैं अपना मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ, ये रहा। एक्चुअली ये मेरा दूसरा वाला मेल आईडी है, मैं यहाँ से अकाउंट स्विच कर देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे ये मेल आ चुका है। हाँ तो ये कोड, यहाँ पे जो कोड आया है मेल से, इस कोड को मैं वहाँ पे ऐप में एंटर कर दूंगा। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। ये कोड एंटर किया, इसके बाद आप यूज़र नेम बनाइए, अपना पासवर्ड बनाइए,
जो भी यूज़र नेम आपको बनाना है वो यूज़र नेम आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये आपका क्लाउड आईडी होगा, इसमें आप DYR एक बार ऐड कर देंगे तो एक बार आपका सॉफ्टवेयर अगर डिलीट भी हो गया मोबाइल से तो दोबारा आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसी क्लाउड आईडी से आपका डिवाइस दोबारा वापस आएगा, आपको दोबारा कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने ओके कर दिया, पासवर्ड डाल दिए। अब यहाँ पे जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया था उसी से लॉगिन करिए। एग्री कर दीजिए। अब यहाँ पे ऊपर प्लस का सिंबल बता रहे हैं उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप मैन्युअली भी सीरियल आईडी डाल सकते हैं। DYR को पहले आप नाम दे दीजिए, जो भी नाम आप डिवाइस को देना है, मैंने DYR लिख दिया है। यहाँ पे आप मैन्युअली अपना सीरियल आईडी एंटर कर सकते हैं या तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं अपने DYR स्क्रीन से QR कोड को। ये तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको QR कोड स्कैन करके बताता हूँ। ये स्कैन हो गया है, यहाँ पे इसका सीरियल आईडी आ गया है। अब इसको ओके कर दिया, ये डिवाइस आपका ऐड हो गया है। अब यहाँ पे स्टार्ट प्रीव्यू में जाकर प्ले कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड पूछेगा, तो DYR का जो भी पासवर्ड है, आपने जो पासवर्ड डाला था DYR में, उस पासवर्ड को एंटर कीजिए, ओके कर दीजिए। अब मैंने DYR से कोई भी कैमरा कनेक्ट नहीं किया है इसलिए ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी डिवाइस ऐड करके बता दूंगा। ये QR कोड स्कैन करके मैंने बताया। दूसरा और एक तरीका है जो आपको मैंने बताया था ना, सर्च पे क्लिक करके डिवाइस सर्च कर सकते हैं। पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अकाउंट को। अब फिर से ऐड पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च लिखा है, सर्च पे क्लिक करूँगा। अगर आपका सेम नेटवर्क में मोबाइल और DYR कनेक्ट है तो ये आईडी यहाँ पे सर्च हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करके आप इस डिवाइस ऐड कर सकते हैं इस तरीके से भी। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, यूज़र नेम पासवर्ड, DYR डिवाइस नेम डाल दिया, ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे स्टार्ट लाइव प्रीव्यू में आप जो भी कैमरा देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। दोस्तों ये डिवाइस ऐड हो चुका है और इसी तरह के नई नई वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।